R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है। यहां जो बाई इलेक्शन होने हैं 13 सीटों में, उसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट यानी कि 5 नामों की घोषणा कर दी है। कौन कौन होंगे ये वो 5 नाम आपको बता दें। गंगोह सीट से नोमान मसूद, जो कि इमरान मसूद के भाई हैं, सहारनपुर से जो लोकसभा इलेक्शन लड़ते रहे, 2014 में भी हारे, 2019 में भी हारे, उनके भाई यानी कि नोमान मसूद को टिकट दिया है कांग्रेस ने गंगोह से। इसके अलावा लखनऊ कैंट की बात करें तो दिलप्रीत सिंह यहां से उम्मीदवार होंगे। मानिकपुर से रंजना पांडे होंगी उम्मीदवार। इसके अलावा प्रतापगढ़ से नीरज त्रिपाठी, जैदपुर से तनुज पूनिया। तो ये पहली लिस्ट है कांग्रेस की, 13 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 5 सीटों पर फाइनल कर दिए हैं कांग्रेस ने नाम। हालांकि ये पहली लिस्ट जैसे ही सामने आई है, इसके बाद से परिवारवाद का आरोप ही कांग्रेस पर लग रहा है। वजह बिल्कुल साफ है, पीएल पूनिया जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इमरान मसूद के भाई को भी टिकट दिया गया है गंगोह से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लिस्ट का आना शुरू हो चुका है। हालांकि बीएसपी पहले ही अपने ज्यादातर नाम फाइनल कर चुकी है और इसी महीने हमीरपुर सीट पर उपचुनाव हो जाएगा, उसकी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 13 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें 5 सीटों पर अपनी पहली लिस्ट, अपने पहले 5 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी है। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।